नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे नेशनल हाईवे पर एक ट्रक आया हुआ है जिसमें बहुत भारी मशीनरी लदी हुई और इसमें बहुत ज़्यादा टायर है। आओ चलते हैं नज़दीक और दिखाते हैं इस ट्रक को। आप लोग देखें, ये देखें, ये ट्रक्स खड़े हुए हैं। आओ चलते हैं नज़दीक से देखते हैं। ये है ट्रक, हैवी लोडिंग वाहन। इस ट्रक में एक एक्सल में दो दो चार दो छः दो आठ आठ टायर लगे हैं एक एक्सल में। ये देखो तो कितने एक्सल हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह 14 एक्सल हैं, तो आठ टायर गुणे 14 कितने हुआ? कम स्त्री 8 है। इसमें लादा जाता है भारी मशीनरी, इसमें बहुत बड़ी मशीनें लदी हुई हैं। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जितनी, सब इसी गाड़ियों में लद कर जाती है। ये है इसका मेन इंजन, यह है इंजन, ये खींचता है, ये पूरे लोड को ये खींचता है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी, और इसमें ये पूरा सिस्टम है कि अगर कोई टायर पंचर हो जाता है तो ये देखो यहीं पर इंजन लगा हुआ है, यहीं पर पंचर बना दिया जाता है। यह पंचर बनाने की मशीनरी लगी हुई है, और ये है कपलिंग, कूलर से कपलिंग किया गया है ये भार खींचने के लिए। ये देखो कितने कितने टायर हैं। ये देखो टायर ही टायर दिख रहे होंगे। पूरी लाइन लाइन लगी है टायरों की, पूरी लाइन लगी है टायरों की, इतने टायर लगे हुए हैं। ये देखो चारों तरफ नीचे केवल टायर ही टायर, पूरे प्रेशर हैं। 11x88। हाँ, इसमें 88 टायर है ना, 88 टायर है। एक ये गाड़ी है और एक ये गाड़ी, दो गाड़ियां हैं इस इंजन में लगी हुई हैं, 10 गाड़ियां। ये आगे से भी टोचिंग करके चल सकता है इस लोड को। ये देखो ये मुड़ नहीं पाता है, इतना हैवी वाहन होता है, इसलिए टोचिंग किया जाता है इस जगह से। ये देखो आगे से भी टोचिंग हो जाता है, पीछे से भी टोचिंग हो जाता है। ये वोल्वो कंपनी का ट्रक है। इसमें 16, 17, 18 टायर तो केवल इंजन में लगे हुए। ये सभी में पंचर वाला मशीनरी लगा हुआ है, इसमें पंचर लगाने का मशीनरी भी है, पंचर बना देता है। हैं, ये प्रेशर पाइप है सब लगा हुआ है, प्रेशर के लिए, ये टायर उठ जाते हैं ना प्रेशर से, इसलिए लगा हुआ। हाँ, ये हैवी स्प्रिंग है। आ
अगर हमारा ये ट्रक आप लोगों को ट्रक वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।